आयुर्वेद में दही को अमृत कहा गया है क्योंकि स्वास्थ्य के नजरिए से ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें कई तरह के प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसका सेवन इस वीडियो में बताई गई 7 चीजों के साथ करने से आपको पछताने पर मजबूर कर सकता है। आपको चर्म रोग या फिर पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि दही के साथ मिलाकर किन 7 चीजों को नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि दही की तासीर ठंडी होती है। इसमें कैल्शियम और लैक्टिक एसिड पाया जाता है और दही दूध से ही बनती है, लेकिन कभी भी भूलकर दूध के साथ दही का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं दही का सेवन करते समय आपको दूसरी बात का ध्यान रखना होगा कि कभी भी दही और आम का सेवन एक साथ ना करें। दोनों का एक साथ सेवन शरीर में टॉक्सिन्स तैयार करता है। वहीं दही और आम के सेवन के बीच 1 घंटे का अंतर भी जरूर रखें। दूध और केला एक साथ लेना फायदेमंद है, ये बात तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन दूध से ही बनी दही के साथ ही केला खाना हानिकारक हो जाता है। दही के साथ केले का सेवन आपके शरीर के लिए बुरा साबित हो सकता है। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं, तो आपको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दही और चिकन भी दोनों शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन यही दोनों को जब साथ में खाया जाए तो शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। दही ठंडी है तो चिकन गर्म होता है। वहीं आपको 5वीं चीज बता दें तो दही के साथ मछली नहीं खाना चाहिए। मछली और दही को साथ खाने से ल्यूकोडर्मा नामक रोग होने का खतरा हो जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति के चेहरे पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। आपको 6ठी चीज बताएं तो इसमें दही का सेवन खट्टे फलों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही और खट्टे फलों में अलग अलग तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। दोनों का एक साथ सेवन करने से आपके पाचन तंत्र सही से काम नहीं करते और आपके शरीर में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, जिससे आपको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। 7वीं और आखिरी चीज जिसके साथ अक्सर लोगों को दही का सेवन करते देखा जाता है, वो है तली और भुनी हुई चीजें। कभी भी तली और भुनी हुई चीजों के साथ दही का सेवन ना करें। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग तले हुए पराठे के साथ दही खाना पसंद करते हैं, तो आपको बता दें कि इसका सेवन करने से दूर रहें, क्योंकि दही में मौजूद एंजाइम्स के चलते फैट को पचाने में मुश्किल आती है। ये तो हो गई 7 चीजें जिसके साथ दही का सेवन करने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि रात में खाना खाने के बाद भी दही का सेवन करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर ऐसा करते भी हैं तो आपको 10 से 15 मिनट टहल लेना चाहिए, ताकि खाना पचने में आसानी हो और आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लाइव सिटीज के लिए प्रणव प्रकाश की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।